हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में देखिए, हम लोग वीवो का जो ये Y83, Y91, Y93, Y95 और Y81, Y83 ये जो मॉडल्स होते हैं, इसके चार्जिंग कनेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से अपने को रिप्लेस करना है। जब भी चार्जिंग का प्रॉब्लम आ जाए तो कनेक्टर को किस तरह से आपको बदली करना है, किस तरह से आप उसको रिप्लेस, उसको किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, उसका मेथड आप हम यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोबाइल को मैंने एकदम फास्ट खोल दिया है और अब यहाँ पे देखिए चार्जिंग कनेक्टर को अपने को रिप्लेस करना है और कनेक्टर जो है वो डैमेज हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग इसका एल्युमिनियम जो टेप होता है, ये इस टेप का इस्तेमाल हम लोग माइक्रोफोन को ढकने के लिए करेंगे, ताकि जब हम लोग हीट गन से, ब्लोअर गन से हम लोग कनेक्टर को हीट करें डिसोल्डिंग करने के लिए, उसको निकालने के लिए, तो माइक्रोफोन जो है हमारा वो डैमेज नहीं हुए, वो हमारा ख़राब नहीं हुए। इसके लिए हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, टेप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं ब्लोअर की मदद से, हीट गन की मदद से इसको हीट करूँगा कनेक्टर को, ताकि वो फटाक से बाहर आ जाए, निकल जाए, ठीक। सॉरी दोस्तों, तो चलिए देखिए, अब मैं यहाँ से हीट गन की मदद से इसको हीट कर रहा हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, फटाक से हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर है वो उखड़ जाएगा। देखिए पॉइंट्स, उसके जो लेग्स होते हैं वो उखड़ चुके हैं और यहाँ पे जो पीछे जो ब्लैक कलर का पेस्ट लगा होता है वो ग्लू के माफित, उसको आराम से निकालना है, आपको खींचना नहीं है कनेक्टर। खींचोगे तो पीछे के जो पॉइंट्स होते हैं वो उखड़ जाएंगे, क्योंकि वो जो इंक लगी होती है वो उखाड़ देता है। अपने को प्यार से, अपने को आराम से, अपने को उसका टाइम देना है, जितना उसको हीट होना है होएगा, वो अपने आप उठा सकते हैं हल्के से, वो निकल जाएगा, ठीक है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना, वरना ये जो पाँचों पॉइंट्स मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ इसमें आपको फिर इसका लाइन जो है ढूंढ के जंपर मारनी पड़ जाएगी दोस्तों, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो ठीक है, ये देखिए हमारा पॉइंट जो है वो क्लीन हो चुका है और मैंने सोल्डिंग जो उसमें लगा हुआ है उसको मैंने आयरन की मदद से थोड़ा सा नरम कर लिया है और अब यहाँ डिसोल्डिंग वायर की मदद से उसको मैं क्लीन करूँगा। डिसोल्डिंग वायर से फ़ायदा ये होता है कि उसके जो पॉइंट्स होते हैं, जो लेग्स होती हैं, वो परफेक्ट तरीके से क्लीन हो जाती हैं और आराम से कनेक्टर बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग कनेक्टर इंस्टॉल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है अपने को, समझे। तो अभी देखिए, जैसे कि मैं अभी ये लेग्स, तो देखिए यहाँ पे ये भी हमारा लगभग क्लीन हो चुका है, थोड़ा सा टाइम है। चलिए, हमारे जो पांचों चारों लेग्स हैं उनको हम लोगों ने क्लीन कर दिया है, पाँचों पिंस को हम लोगों ने रिसोल्डिंग कर लिया है और एक बार उसको परफेक्ट तरीके से वापस से रिसोल्डिंग कर लेंगे, ताकि उसमें पेस्ट लग जाए और जब नया वाला कनेक्टर उस पर हम लोग बैठा है तो आराम से पेस्ट लगाने की ज़रूरत ना हो, सोल्डिंग वायर लगाने की ज़रूरत ना हो, वो आराम से बैठ जाए, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ देखिए पाँचों पॉइंट्स को भी मैंने परफेक्ट तरीके से सोल्ड कर लिया है और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, दो पॉइंट आपस में चिपक गया था, मैंने उसको भी आराम से छुड़ा दिया है। और अब यहाँ पर अपने को करना क्या है, खाली अपने को करना है नया चार्जिंग कनेक्टर लेके। अब ये देखिए, ये जो मैंने चार्जिंग कनेक्टर यहाँ पे रखा है, इस कनेक्टर को अपने को नए वाले अपने इस मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करना है, ये नया वाला चार्जिंग कनेक्टर, ठीक है। तो चलिए देखिए, एकदम परफेक्ट तरीके से कनेक्टर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से उसको फिट किया जाता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से अपने को कनेक्टर को सोल्डिंग करना है, किस तरीके से उसके जो पाँचों लेग्स हैं किस तरीके से उसको वहाँ पर आपको अटैच करना है, किस तरीके से उसको सोल्ड करना है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको क्या चीज़ देखना है, देखिए यहाँ पर देखिए हल्का सा पेस्ट लगाना है, पेस्ट लगा के उसको प्रॉपर तरीके से कर देना है, ताकि जो सोल्डिंग के टाइम पे एक दूसरे से वो चिपके नहीं और हमारा सोल्डिंग वर्क जो है वो फटाक से हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो इसके पहले तो मैं इसमें उसके जो पाँचों पॉइंट्स है उसको सोल्ड कर रहा हूँ, ताकि जब वो चारों लेग्स में सोल्ड करने लगूँ तो कनेक्टर अपनी जगह से हिले नहीं, वो वहीं पर रहे और उसके जो पाँचों पॉइंट्स है वो एकदम सीधे तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से सोल्डिंग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उसके लगभग मैंने पाँचों लेग्स जो हैं उसको सोल्ड कर लिया है और प्रॉपर तरीके से ये हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, जो एक्स्ट्रा पेस्ट सोल्डिंग वायर जो दिखता है उसको पेस्ट की मदद से उसको अपने को क्लीन भी कर लेना है, ताकि वो देखने में भी बेकार ना लगे, बद्दा ना लगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने मदरबोर्ड को पलटी कर दिया, पलटी करके यहाँ पे मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ चारों लग्स को, और मैंने फ्रंट साइड से नहीं किया है।
देखिए यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने फ्रंट साइड से नहीं किया, बैक साइड से कर रहा हूँ तो आप भी बैक साइड से करिए। मेरा बैक साइड से करने का एक रीज़न है, जब भी मैं बैक साइड से शोल्डिंग करता हूँ तो उसको परफेक्ट तरीके से, मतलब देखिए पीछे से गैप रहता है बराबर, आगे साइड से हम लोग कनेक्टर तो रख देते हैं, वो दिखता नहीं है गैप कितना है। तो पीछे साइड से जब आप करते हैं तो पूरे गैप में लेके, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि बाहर तक आ गया है, मतलब फ्रंट साइड तक आ गया है, तो इसके लिए मैं बैक साइड से करता हूँ ताकि फ्रंट साइड जितना ज़रूरत हो वो उतना ले ले और बैक साइड पूरी तरह से पैक हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बैक साइड से ही कनेक्टर वगैरह को पहले सोल्डिंग करता हूँ, बाद में फिर से फ्रंट साइड में एक हल्का सा आयरन लगा के उसको प्रेस करके आयरन से सोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पांचों पॉइंट्स को एक बार मैं वापस से परफेक्ट सोल्ड कर देना, क्योंकि दो पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें सोल्डिंग वायर लग चुका था, तो मैं उसको पेस्ट लगा के एकदम परफेक्ट तरीके से क्लीन कर दूंगा। तो एक बार अच्छे से उसको प्रेस करके एक बार उसको अच्छे से पॉइंट्स को दबा के फिट कर देंगे, ताकि वो वहाँ पे सोल्ड कर देंगे, ताकि वो अपनी जगह से हिले डुले नहीं और जल्दी उखड़े नहीं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से क्या, शायद तीसरी की चौथी बार मैं उसको अच्छी तरीके से सोल्ड कर रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको भी चार बार करना है, आप भी एक बार में भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ एक बार में डन हो चुका है तो एक बार में कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं 10 बार करने पर डन हो जाएगा तो आप भाई उसको 10 बार कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। जब तक आप खुद को सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि भाई हाँ ठीक है अभी परफेक्ट लग रहा है, तब तक आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छे से हो सके उतना जल्दी करिए, उतना जल्दी अच्छा सा काम कीजिए, ताकि आपको अभी काम फटाफट हो जाए और कस्टमर को भी कोई दिक्कत नहीं हो कि उनका काम लेट हो रहा है। तो जितना आप जल्दी करेंगे, जितना आप अच्छे से करेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, देखिए इसके पॉइंट्स मैंने क्लीन कर दिए। यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स आपस में शॉर्ट दिख रहे थे, तो मैंने उनको भी वापस से परफेक्ट तरीके से कर दिया है, और ये हमारा हो चुका है, हमने ब्रश मार के उसको क्लीन भी कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो हमने एल्युमिनियम वाला टेप लगाया था उसको, टेप को निकाल देंगे, ताकि मतलब उसको तो खैर हम लोगों ने माइक की सेफ्टी के लिए निकाला था, तो लगाया था, तो उसको अब हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। हमारा माइक सेफली बचा हुआ है, हमारा माइक्रोफोन जो है वो ख़राब नहीं हुआ है। ये जो एल्युमिनियम का जो ये टेप आता है, इसको एल्युमिनियम हीटिंग टेप बोलते हैं। ये मार्केट में जहाँ से आप स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, कनेक्टर वगैरह या मोबाइल का जहाँ से भी सामान लेते हैं आप लोग, वहाँ पर आपको हर एक मार्केट में मिल जाएगा। और ये दोस्तों बहुत हद तक काफ़ी काम की चीज़ है, इससे हमारा माइक्रोफोन जो है वो डैमेज नहीं होता। अब देखिए बेसिकली बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ये चीज़ मार्केट में आई थी तो मैंने सोचा एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, तो काम कर रहा है, अच्छा भी चलता है। कभी कभी किसी किसी मॉडल में जब मैं ये यूज़ नहीं करता था, किसी किसी मॉडल्स में अपने ऐसा दिक्कत हो जाता था कि भाई कनेक्टर चेंज करने में माइक्रोफोन डैमेज हो जाता था, तो अपने को ये पूरा चार्जिंग का बोर्ड डालना पड़ता था। लेकिन जब से ये प्रोडक्ट मार्केट में आया तब से मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बिंदास चार्जिंग कनेक्टर चेंज करता हूँ और अब तो मुझे टेप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको चार्ज लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग का लोगो आ चुका है, मतलब हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर का जो सोल्यूशन है, जो हमने चार्जिंग कनेक्टर जो है रिप्लेस किया है, वो हमारा कनेक्टर परफेक्ट तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, समझिए दोस्तों। तो ठीक है, अब ये जो मेथड था, ये जो तरीका था, ऐसे आप करके चार्जिंग कनेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूँगा। कुछ भी दिक्कत है, कोई भी पॉइंट नहीं समझा है मेरे दोस्तों, मुझे आप कमेंट करिए, मुझसे आप पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा आपको जवाब आपका मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में।